हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस ड्रीमर्स द एवेंजर्स। और आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग और नॉन कॉलेजिएट के फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के असाइनमेंट अगर आपने अब तक जमा नहीं कराए हैं तो प्लीज़ जमा करा दीजिए, क्योंकि उनकी फाइनल डेट पास में आ रही है, जो में भी एक्सटेंड हो सकती है। बट अभी तो आप ये मान के चलिए कि आपकी फाइनल डेट जो प्रिस्क्राइब्ड है वही रहेगी। अब हम बात करते हैं टॉपिक की कि भाई आपका जो बहुत सारे बच्चों ने असाइनमेंट सबमिट कराए तो उन्होंने गलती से अपने असाइनमेंट्स जो है प्रॉपरली सबमिट नहीं कराए, लाइक रॉन्ग सब्जेक्ट का असाइनमेंट सबमिट करा दिया, या फिर असाइनमेंट जो है उसको प्रॉपरली स्कैन नहीं करा था, ब्लर असाइनमेंट सबमिट करा दिया, या पूरा असाइनमेंट सबमिट कराने के बजाय एक पेज सबमिट करा दिया, क्वेश्चन नंबर लिखना भूल गए वगैरह वगैरह। अब असाइनमेंट तो आपके सबमिट हो गए, लेकिन ये प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखते हुए आपकी यूनिवर्सिटी ने आपको एक ऑप्शन अब अवेलेबल करा दिया है, जो है आपका री अपलोड रिक्वेस्ट का ऑप्शन। ठीक है, तो आप स्क्रीन पे देखेंगे तो आपके पास एक चेक का ऑप्शन है, एक व्यू आंसर का ऑप्शन है, और एक आपका है री अपलोड का ऑप्शन। तो आपके डैशबोर्ड पे अगर ये ऑप्शन नहीं आया है तो चिंता करने की कोई बात नहीं है, थोड़े टाइम में ये ऑप्शन आपके डैशबोर्ड पर भी अवेलेबल हो जाएगा। जिन बच्चों ने असाइनमेंट गलत अपलोड कर दिए हैं वो इस ऑप्शन का इस्तेमाल कीजिए। इस पर जब क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपसे रिक्वेस्ट जो आप डाल रहे हैं उसका रीज़न पूछेगा कि भाई आप रीसबमिशन क्यों करना चाहते हैं पेपर। तो आप अपना एक प्रॉपर रीज़न चुन के कि भाई आपका रॉन्ग असाइनमेंट सबमिट हो गया, या आपने प्रॉपरली सबमिट नहीं करा, या कोई अदर रीज़न आप चुन के जो है अपना असाइनमेंट के री अपलोड रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, री अपलोड रिक्वेस्ट भेजने के इमिजिएटली बाद अपना असाइनमेंट आप जो है री अपलोड नहीं कर सकते। आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से रिस्पॉन्स आने के बाद जो है अपना असाइनमेंट आप री अपलोड करेंगे। तो ये चीज़ थोड़ी सी गलत है, क्योंकि फिर बच्चों को वेट करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी ये ऑप्शन अवेलेबल कराया तो सही। ठीक है, तो अगर आपके असाइनमेंट गलत अपलोड हो गए हैं तो घबराने की बात नहीं है। जैसे कि हम पहले के वीडियोस में भी कह रहे थे कि बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम आ रही है, तो यूनिवर्सिटी इसको ध्यान में रखते हुए आपके लिए कुछ ना कुछ अरेंजमेंट जरूर करेगी, और उन्होंने ये अरेंजमेंट आपके लिए करा। ठीक है, पहली बात तो ये। अब दूसरी चीज़ ये कि बहुत सारे बच्चों का असाइनमेंट सबमिट ही नहीं हो रहा है, और लास्ट डेट तो आने को है। कुछ बच्चों की लास्ट डेट अभी और कुछ बच्चों की 11 तारीख को है। तो भाई इस चीज़ के लिए भी एक जो है अजम्पशन है, या एस्टिमेशन मान लीजिए आप, अनुमान है या अंदाज़ा है, या हम मान के चल रहे हैं, ऐसा हम उम्मीद कर रहे हैं कि आपके जो असाइनमेंट अपलोड करने की जो डेट है, मे बी इट कैन बी एक्सटेंडेड टू अ फर्दर डेट, क्योंकि बच्चों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है आ रही है, और अभी OB एग्ज़ाम भी है तो सर्वर वैसे ही बिजी रहने वाला है, तो मे बी आपकी डेट को एक्सटेंड कर दिया जाए। बट आप ये मान के चलिए कि जो डेट दी गई है वही फाइनल डेट है, और अगर आपने अपने असाइनमेंट नहीं बनाए हैं तो प्रॉपरली बना के स्कैन करके 10 MB से उसका छोटा साइज रख के उसको आपको अपलोड कर देना है। अगर आपका एक बार अपलोड नहीं होता है तो आप उसको 2-3 बार ट्राई कीजिए। 2-3 बार ट्राई करने से भी नहीं होता तो बार बार ट्राई मत कीजिए। आप थोड़ा गैप लेके 2-3 घंटे का गैप लेके दोबारा से ट्राई कीजिए। बेस्ट होगा कि आप उसको लैपटॉप या डेस्कटॉप से अपलोड करें। मोबाइल फ़ोन से अगर आप अपलोड करते हैं तो गलत सब्जेक्ट चुने जाने का चांस रहता है। हालांकि आप मोबाइल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा कोशिश रहेगा मोबाइल का इस्तेमाल करते समय। अगर आपके कोई और डाउट हैं, कोई क्वेश्चंस हैं, तो प्लीज़ जो है कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए। मैं सारे क्वेश्चंस के आंसर, सारे डाउट्स के सॉल्यूशन और आपके कमेंट्स के रिप्लाई ज़रूर देता हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।